हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम इंस्टॉल करेंगे अपनी बाइक में म्यूजिक प्लेयर। तो ये म्यूजिक प्लेयर सीरीज़ MT483 मोटरसाइकिल म्यूजिक प्लेयर है, और साथ में इसके जो है एंटी थिफ्ट जो सिक्योरिटी अलार्म होता है वो भी आता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको मिलता है ये छोटा सा रिमोट, जिसकी मदद से आप जो है अपनी बाइक को लॉक कर सकते हैं, मतलब जो सिक्योरिटी अलार्म है उसको लॉक या अनलॉक कर सकते हैं, और साथ ही आपका जो म्यूजिक प्लेयर है उसको आप इससे चला सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, यहाँ से पॉज और प्ले होगा, और यहाँ से आप मोड भी चेंज कर सकते हो, मतलब FM वगैरह अगर आपको चलाना है। और जो ये वॉल्यूम वाले है, इसको अगर आप एक बार प्रेस करोगे तो नेक्स्ट और यहाँ प्रीवियस सॉन्ग होगा, और अगर इसको आप प्रेस करके रखते हो तो ये वॉल्यूम का जो फंक्शन है वो काम करेगा। और इसके बाद ये जो दो स्पीकर हैं यहाँ पर, एक्चुअली एक कंट्रोलर है एक स्पीकर है, आप देख सकते हैं इसके साथ दो वायर हैं, मतलब ये स्पीकर है और जो दूसरा ये कंट्रोलर है, मेन कंट्रोलर जो है इसमें ही सभी कुछ है, मतलब आपका मेमोरी कार्ड वगैरह सब कुछ इसमें डलेगा। और इसके साथ ये कुछ वायरिंग है, तो वायरिंग का मैं आपको बता देता हूँ। इसके साथ यूज़र मैनुअल भी मिली है, अगर आप उसको पढ़ के स्क्रॉल करना चाहे तो भी आप लगा सकते हैं, ईजिली लग जाएगा, काफ़ी सिंपल वायरिंग है इसकी। तो यहाँ पर अगर आप खोलोगे तो यहाँ पर आपको मिलता है मेमोरी कार्ड लगाने के लिए, और यहाँ पर आपका USB कनेक्शन, जैसे अगर आप डाटा वगैरह ट्रांसफ़र करना चाहो तो यहाँ से आप कर सकते हो लैपटॉप या कंप्यूटर को लगा के, और साथ में आपको AUX केबल का भी यहाँ पर ऑप्शन जो है वो मिलता है। तो गाइस, क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है ये। और अगर आप इसके नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको चार होल मिलते हैं, यहाँ पर इसके साथ ही जो है आपको स्ट्रिप दी जाती है दो, और साथ में स्क्रू होते हैं, तो इसको लगाने के लिए यहाँ पर जो है ये चार होल है। तो खैर, इसको मैं बाद में लगाता हूँ। तो खैर गाइस, अभी मैं आपको यूज़र मैनुअल में कुछ वायरिंग का कनेक्शन बता देता हूँ। तो ये छोटी सी यूज़र मैनुअल इसके साथ ही आपको मिलती है, इसमें कि आपका जो वायर कनेक्शन है वो आपको बताया गया है, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, टोटल चार वायर्स हैं, ब्लू जो है आपकी एंटीना में जाएगी, येलो जो है वो भी आपकी रिमोट रिसीवर में जाएगी, जो कि हम इन दोनों का यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ ब्लैक और जो रेड है इसका कनेक्शन ही करेंगे। और आपको इसके साथ जो फ्यूज़ भी मिल जाता है, अगर बाई चांस ये शॉर्टिंग वगैरह कहीं से होती है तो आपका फ्यूज़ जो है प्रोटेक्ट करता है आपकी डिवाइस को। तो खैर गाइस, सबसे पहले इसकी जो स्ट्रिप्स है दोनों की वो हम मैं लगा लेता हूँ, फिर उसको बाद में हम बाइक में इंस्टॉल करेंगे। तो इस तरह से आपको जो है ये स्ट्रिप्स मिलती है दो, इसको लगाने के लिए, और साथ में ये कुछ स्क्रू है इसके साथ ही लगाने के लिए। तो ये कुछ बड़ा काम नहीं है, इसको जल्दी से मैं कर लेता हूँ, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ वीडियो को, फिर मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो गाइस, अभी दोनों स्ट्रिप को मैंने लगा दिया, अभी इसको हम अपनी बाइक में इंस्टॉल करते हैं। तो गाइस, इसको लगाने के लिए यहाँ पर मैंने लेग गार्ड में छेद करवाए हैं दोनों साइड 10 नंबर के, तो इस पर ही मैं इसको लगाऊंगा। तो चलिए जल्दी से मैं इसको लगा लेता हूँ। तो गाइस, इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया है, अभी ये बिल्कुल भी हिलने वाला नहीं है। आप चाहो तो इसको अलग जगह पे भी लगा सकते हो, मेरे पास स्प्लेंडर बाइक है तो आपको पता है कि अभी इसके इसमें यहाँ पर लगाने के लिए कोई और जगह तो है नहीं है। तो अगर आपके पास कोई और बाइक है जैसे स्पोर्ट्स बाइक है तो आप अलग जगह पर भी लगा सकते हो। खैर, अभी मैं दूसरे को भी अभी लगा लेता हूँ वैसे जैसे पहले को फिट किया था, और फिर मैं आपको बाद में जो इसका कनेक्शन है वायर्स का वो बताता हूँ। तो गाइस, जब मैंने इसको लगा दिया है अभी ये बिल्कुल भी हिल नहीं रहा, और अभी इसकी मैं वायरिंग करूंगा। तो वायरिंग के लिए सबसे पहले जो इसका स्पीकर है उसकी जो वायर है, जो कि इसकी छोटी सी सॉकेट है एक, उसको मैं लगा लेता हूँ पहले। ये छोटा सा ब्लैक कलर का कनेक्टर है, इसको लगा लेता हूँ। तो गाइस, सिंपल आपको ये छोटा सा कनेक्टर है, इसको बंद कर देना, ईजिली ये बंद हो जाता है, तो इस प्रकार से लग जाएगा। तो चलिए गाइस, अभी इसकी वायरिंग करते हैं। वायरिंग के लिए रेड और ब्लैक का ही हम कनेक्शन करेंगे, और जो दो वायर है ये एंटीना के लिए, इसका हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर अच्छा एंटीना होगा तभी FM चलता है। तो ब्लैक का जो है उसको मैं ग्राउंड कर दूंगा इसके जो नट के साथ, जहां पर इसको माउंट किया है इसके कंट्रोल को, और जो रेड वायर है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूंगा, क्योंकि इसका कनेक्शन आपको बैटरी के साथ डायरेक्ट करना है। तो चलिए, सबसे पहले इसकी जो ब्लैक वायर है उसको अर्थ कर लेता हूं मैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इसके नट के साथ ही इसको मैं जो है माउंट कर दिया, अभी इसकी रेड वायर का कनेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ अपनी एक एक्सटर्नल वायर लगा के। तो क्योंकि इसकी रेड वायर को आपको जो है टेप वगैरह लगा के रखना है, क्योंकि अगर ये डायरेक्ट ऐसे ऊपर की ओर लगा रहेगा तो कोई भी इसे जो है कटर से काट के जो है आपकी जो एंटी थिफ्ट अलार्म है इसको चुरा सकता है। इसलिए अगर इसकी इसके साथ आप टेप वगैरह लगाते हो तो अगर आपकी जो इसकी जो टेप को हटाने की कोशिश करता है या ऐसे आपके वायर को भी टच करने की कोशिश करेगा तो एंटी थिफ्ट जो अलार्म है वो बजने लगेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, इसको टेप वगैरह करके रखिएगा ताकि ईजिली कोई इसको जो है काट ना सके।
तो इसका जो कनेक्शन है आपको डायरेक्ट बैटरी से करना है, क्योंकि अगर इसका साथ इसका जो कनेक्शन है वो इग्निशन से होगा तो आपकी जो की जब ऑफ होगी तब ये काम नहीं करेगा। तो आपको पता है कि जब आप पार्किंग में बाइक को लगाते हो तो आपकी जो चाबी वो ऑफ ही होती है, तो इसलिए आपको जो इसका कनेक्शन है वो डायरेक्ट बैटरी से करना है। तो जल्दी से इसका कनेक्शन मैं कर लेता हूँ, फिर मैं आपको इसको जो चला के दिखाता हूँ। तो गाइस इसका कनेक्शन तो मैंने कर दिया अभी। तो गाइस अभी इसकी वायरिंग को मैं टेप वगैरह कर देता हूँ, क्योंकि जो ऐसे फैली हुई है वायर, तो इसको जो है टेप वगैरह कर देता हूँ अच्छे से मैं। तो फाइनली गाइस अभी इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अभी मैं इसमें जो है अपना SD कार्ड डाल लेता हूँ, तो माइक्रो SD कार्ड इसमें डलता है, तो जल्दी से इसको डाल लेता हूँ। तो चलिए गाइस अभी इसको टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको मैं लॉक करता हूँ, तो एक बार साउंड करने पर लॉक हो जाता है। अब इसको अगर मैं टच करता हूँ ऐसे साउंड करेगा, अगर फिर से टच करता हूँ तो ये काफ़ी लंबे समय तक साउंड करता रहेगा ये। तो एक बार जब ये साउंड करेगा ये लॉक हो चुका है, इसका मतलब अगर दो बार करेगा तो ये अनलॉक हो चुका है। अभी इसको जो है आप टच कर सकते हो। अभी फिर से मैं लॉक कर देता हूँ। अभी इसकी वायर को छेड़ने की कोशिश करता हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं वायर को छेड़ने पर भी अभी ये आवाज़ कर रहा है। तो अभी इसको अनलॉक कर दिया मैंने। तो अभी इसके म्यूज़िक प्लेयर को चलाते हैं। इस बटन को आपको एक बार प्रेस करना है, फिर से पॉज और प्ले होगा, और इससे आपको जो है आवाज़ बढ़ जाएगा नीचे वाले बटन से, और नेक्स्ट भी यहाँ से होगा। तो आप देख सकते हैं इसकी साउंड, और इसके साथ जो है इक्वलाइजर भी चलता है, जो एक जो है नीली कलर की लाइट आती है इसमें, ये आप देख सकते हैं। तो भी आप इसको नेक्स्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो फिर से मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ से मैं इसको पॉज कर देता हूँ। अगर इसको मैं प्रेस करके रखता हूँ तो ये FM चलने लगेगा, और आप देख सकते हैं अभी ये यहाँ से बटन को आप यूज़ करके इसका जो स्टेशन आगे पीछे कर सकते हैं। तो गाइस प्राइस की बात करूँ तो प्रेजेंटली अभी इसका प्राइस जो $21 के आसपास है, और अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पेपल अकाउंट से पे करके इसको परचेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय, टेक केयर।